नमस्कार दोस्तों, यूके गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, ये है ड्रैगन फ्रूट। ये जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही आसान होता है ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को उगाना। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को किस तरह से उगाया जाए, और आज की वीडियो में मैं आपको ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को किस तरह से लगाया जाए और ड्रैगन फ्रूट के सीड्स का जो जर्मिनेशन स्टेज होता है मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक के देखें। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को किस तरह से कलेक्ट किया जाए। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट में से सीड्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कुछ टूथपिक, एक प्लेट और एक चाकू। ये सब टूल्स के जरिए हम आसानी से ड्रैगन फ्रूट को काट करके उसके अंदर से सीड्स को अलग कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ड्रैगन फ्रूट को काट के बताता हूँ और इसके सीड्स को अलग करके बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे ड्रैगन फ्रूट के जो छोटा सा हिस्सा है ना, इसी के अंदर से हमको इतने सारे सीड्स मिल जाएंगे कि हम उन्हें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर से सीड्स को कलेक्ट करते हैं। दोस्तों यदि आप ड्रैगन फ्रूट के पल्प को इस तरह से स्क्रैच करते हैं टूथपिक की मदद से, तो आप देखेंगे कि सीड्स आसानी से अलग हो जाएंगे। एक छोटे से ही पार्ट के अंदर ड्रैगन फ्रूट के बहुत सारे सीड्स होते हैं, इसीलिए दोस्तों यदि आप ऐसा छोटा सा पार्ट भी लेंगे तो उसके अंदर भी आपको अपने काम पूर्ता पर्याप्त सीड्स मिल जाएंगे, और मेरी माने तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे। इसके लिए आप ड्रैगन फ्रूट का कोई ज़्यादा बड़ा पार्ट ना लें, बस ऐसे थोड़े से ही पार्ट ले लें, उसी के अंदर आपको बहुत से सीड्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको एक साफ कपड़ा लेना है और इस तरह से ड्रैगन फ्रूट के पल्प को और जो सीड्स हमने इकट्ठे किए हैं उसे इस तरह से इस कपड़े के ऊपर लगा देना है। होंगे क्योंकि कपड़े के अंदर जो ड्रैगन फ्रूट के जूसेस हैं वो कपड़ा सोख लेगा, सीड्स और पल्प ऊपर ही रह जाएंगे, तो उसके अंदर आप सीड्स को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस छोटे से पार्ट के अंदर कितने सारे सीड्स थे, और ये सारे ही सीड्स को हम ग्रो करने वाले हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स बन जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इस कपड़े के ऊपर मैंने सीड्स और पल्प को निकाल लिया है ड्रैगन फ्रूट के। अब मैं इन सीड्स को ग्रो करने वाला हूँ। चलिए अब हम इन सीड्स को किस तरह से ग्रो किया जाए उसकी प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों ड्रैगन फ्रूट के जो सीड्स हैं उन्हें मैं कोकोपीट के अंदर ग्रो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इन पेपर कप के अंदर कोकोपीट को फिल कर लेता हूँ। यदि आप चाहें तो गमले के अंदर भी उन्हें उगा सकते हैं, मगर मैं पेपर कप के अंदर उगा रहा हूँ। दोस्तों यदि आप भी मेरी तरह पेपर कप के अंदर किसी भी प्लांट के सीड्स को उगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो पेपर कप के अंदर एक वाटर ड्रेन होल बना दें उसके बॉटम में। मैंने भी ये सारे पेपर कप के अंदर वाटर ड्रेन होल बना लिया है, जिससे जो एक्सेस वाटर रहेगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। दोस्तों अब बारी आती है कोकोपीट के अंदर ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को लगाने की। सबसे पहले मैं टूथपिक की सहायता से एक सीड को उठा लूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने टूथपिक के ऊपर एक ड्रैगन फ्रूट के सीड को उठा लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट का सीड कितना छोटा सा है। ये देखिए, ये टूथपिक के एकदम पॉइंट के ऊपर आता है। अब हम इस सीड को धीरे से कोकोपीट के अंदर लगा देंगे। कई बार ऐसा होता है कि सीड आपकी उंगलियों के ऊपर चिपक जाएंगे, मगर आप यदि थोड़ी सी सावधानी रखें तो आप सीड को आसानी से इस कप के अंदर लगा सकते हैं। एक कप के अंदर आप मिनिमम 4 सीड्स को लगा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो एक कप के अंदर 6 से लेकर 7 सीड को आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने सारे कप के अंदर ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को लगा दिया है। अब हम इन्हें फंगिसाइड का स्प्रे देने वाले हैं, ताकि हमारे ड्रैगन फ्रूट के जो सीडलिंग्स रहेंगे उनके अंदर फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने बेविस्टिन फंगिसाइड घोल के रखा है, और बेविस्टिन फंगिसाइड का स्प्रे मैं इनके ऊपर कर रहा हूँ। यदि आप चाहें तो साफ फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप इन्हें ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं तो आप सिनेमन पाउडर को, यानी कि दालचीनी के पाउडर को पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, लगभग 5 दिन हो चुके हैं हमारे सीड्स को, और आपको दिख रहा होगा कि कुछ सीड जर्मिनेट हुए हैं और कुछ सीड नहीं हुए हैं। 5 दिनों के हिसाब से ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे दूसरे कप के क्या हाल है। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा पहला ड्रैगन फ्रूट का जो सीडलिंग है वो तैयार होने की स्टेज के ऊपर आ चुका है। आपको दिख रहा होगा कि जो छोटा सा प्लांट जैसा दिख रहा है, ये ड्रैगन फ्रूट का सीडलिंग है। चलिए अब हम हमारे दूसरे कप को भी चेक करते हैं और देखते हैं उनके अंदर से कौन कौन से सीड जर्मिनेट हुए हैं।
तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे बचे हुए 6 कप है जिनके अंदर हमने ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को लगाया था, और अब आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जल्दी जर्मिनेशन नहीं हुई है। मैंने कुछ ज़्यादा खोद करके नहीं देख सकता हूँ, यदि अगर कोई सीड जर्मिनेट हुआ होगा तो उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है, इसके लिए मैं इन्हें जैसा कि वैसा रखे रहने दूंगा। दोस्तों लगभग 8 दिन हो चुके हैं हमारे सीड्स को लगाए हुए, और आपको दिख रहा होगा कि ये कप के अंदर बहुत सारे सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। दोस्तों ये वाला कप मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया था, क्योंकि ये कप को मैंने बाद में लगाया था और बचे हुए सारे सीड्स मैंने इसके अंदर लगा दिए थे, तो मैंने आपको ये कप नहीं बता पाया। चलिए अब हम देखते हैं हमारे दूसरे कप के अंदर कितने सीड जर्मिनेट हुए हैं। दोस्तों ये कप के अंदर मैंने लगभग 4 सीड्स लगाया था, और लगभग 4 सीड जर्मिनेट हो चुके हैं, और आपको दिख रहा होगा कि 1 सीड अच्छा तैयार हो चुका है और बाकी के 3 अभी छोटे हैं, तो वो आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों हमारे कुछ ड्रैगन फ्रूट के सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए हैं, उनका जो अपडेट रहेगा वो मैं आपके साथ में यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर शेयर करूंगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन चालू कर लें। दोस्तों बहुत ही जल्द हमारे कुछ सीडलिंग्स तैयार होने वाले हैं जिन्हें मैं बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट करूंगा, वो वीडियो के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन चालू कर लें। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, आपका दिन शुभ हो।